हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक DIY माइक्रम हैंगर लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये नॉर्मल सिंपल सी स्प्रिंग नॉट से बनता है। इसके लिए आपको एल्युमिनियम का हैंगर चाहिए होगा। अगर आपके पास एल्युमिनियम हैंगर नहीं है, प्लास्टिक हैंगर है, तो आप उससे भी बना सकते हैं, बट एल्युमिनियम पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास प्लास्टिक हैंगर, तो आप ध्यान दीजिए कि उसके नीचे कुछ नहीं हो, प्लेन हो, इसलिए मैंने एल्युमिनियम हैंगर लिया है। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। ये बहुत ही अच्छी रेंज में मिल गया था। आप चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसको बनाने के लिए आपको बचा हुआ माइक्रम चाहिए, हैंगर चाहिए, छोटी कैंची चाहिए और हॉट ग्लू गन चाहिए। ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। तो माइक्रम को आपको जितना भी बड़ा माइक्रम है उसके बीच का सेंटर ले लीजिए और यहाँ पे हैंगर के पॉइंट पे हॉट ग्लू गन लगाएंगे और उसके ऊपर चिपका देंगे। देखिए, हॉट ग्लू गन से आप चाहे तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, बट हॉट ग्लू गन इंस्टेंट काम कर देता है। इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। अब ये चिपक गया है तो हम लोग स्प्रिंग नॉट बनाना शुरू कर देंगे। तो स्प्रिंग नॉट बनाने के लिए का ये रहता है, जैसे स्क्वायर नॉट बनती है वैसे ही स्प्रिंग नॉट भी बनती है। बट स्प्रिंग नॉट में आपको एक साइड से ही लूप लेना रहता है। अगर आप राइट साइड से ले रहे हैं तो राइट साइड से, और अगर आप लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड से। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हुई है। देखिए, मैंने लूप बनाया माइक्रम के नीचे से लेके हैंगर के नीचे से, वायर के नीचे से इसको खींच दिया। और हर बार बनाने के बाद आप टाइट से खींचिए ज़रूर। ये देखिए, टाइट से खींच दिया और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लूप बनाएंगे, हैंगर के नीचे से कॉर्ड को निकाल के टाइट कर देंगे। और ये देखिए, स्प्रिंग नॉट बनना शुरू हो गई है। और ये देखिए, यहाँ तक बन गई। और ये देखिए, घूमना भी शुरू हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पूरा नीचे तक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कहाँ ले जाना। तो देखिए, ये मेरा नीचे तक आ गया है। अब जहाँ पे वायर मुड़ा हुआ है हम लोग वहाँ पे नहीं बनाएंगे। जहाँ पे प्लेन सरफेस है, जहाँ पे हैंगर जा रहा है वायर, उसी साइड से बनाएंगे ताकि एंड में हमको चिपकाने में अच्छी हो और फिनिशिंग आए। अब ये देखिए, मेरे कॉर्ड तो ख़त्म हो गई, तो कॉर्ड को अब दोबारा लगाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा पीस बचेगा तो उसके अंदर हम लोग हॉट ग्लू गन से ग्लू लगा के उसको स्टिक कर देंगे। कैंची से मैं काट ले रही हूँ। और इसको ग्लू से स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये स्टिक हो चुका है, ये सूख गया है। फिर हम लोग को कॉर्ड के नीचे, वायर के नीचे से कॉर्ड लाएंगे और ऊपर से फिर से स्प्रिंग नॉट बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम लोग स्क्रैप से बना रहे हैं तो स्क्रैप में बहुत बड़े छोटे हर टाइप के पीसेस होंगे। तो इसी तरह, मगर जब ये आप नया कॉर्ड लगाएं तो उसको बनाने के बाद अच्छे से पीछे थोड़ा खींचिए ताकि उसका एक पार्ट लगे।
और इसी तरह ये देखिए मेरा पूरा हो गया है, हम लोग एकदम एंड में आ चुके हैं। अब इसको मैं दिखाऊंगी कि एंड में इसको कैसे हम लोग स्टिक करेंगे, कैसे खत्म करना है। तो पहले इसको फिनिश करते हैं, पहले लूप। यहाँ पे देंगे तो यहाँ भी देखिए एंड आ गया। इसको हम लोग एक दो नॉट और बना देंगे ताकि वो अच्छे से ऊपर पूरा हैंगर का वायर कवर हो जाए। ये हमारा देखिए पूरा अच्छे से अच्छे से कवर हो गया दोनों जगह। तो अब हम लोग उसके अब इसको कट करके हम लोग को सील करना, तो इसको यहाँ पे सील कर देंगे काट के। आप चाहे हॉट ग्लू गन से भी कर सकते हैं या फिर ट्वीजर से या फिर लाइटर से भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो उसको लाइटर से भी लगा सकते हैं, जला के स्टिक कर दीजिए। वो नायलॉन है प्लास्टिक है तो जल के चिपक जाएगा, बट मैं अभी हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइटर से भी काम कर सकते हैं। और ये जो बचा हुआ माइका है उसको फेंके के नहीं, इसको संभाल के रखें। और मैं आगे स्टार्ट वीडियो बताऊँ हमने काट दिया, उसको हॉट ग्लू गन से हम स्टिक कर देंगे। तो अब हम लोग हॉट ग्लू लगा के लगाया अच्छे से लगा के इसको ट्वीजर की हेल्प से दबा देंगे, क्योंकि हॉट ग्लू बहुत ही हॉट होता है। ट्वीजर से क्या होगा कि हाथ नहीं चल सकते। ये देखिए ड्राई हो चुका है और ये हमारा हैंगर तैयार हो गया है, अच्छा सा हैंगर। ये देखिए मैंने एक और येलो कलर का भी बनाया है। आप चाहिए तो इसको बहुत सारे कलर में भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रम नहीं है तो आप शनील को काट के पतली पतली स्ट्रिप काट के उस पर बना सकते हैं। आप ऊन से बना सकते हैं, आप जूट से बना सकते हैं। आपके पास ऊन भी नहीं है, पुराना स्वेटर है, आप उसको खोल के बना सकते हैं। इवन जिस भी कपड़े से आपके आप फुचड़ा नहीं निकलता है या फिर धागा नहीं निकलता है उससे आप बना सकते हैं। और बहुत सारी वैरायटी, आपके पास पुरानी लेगिंग्स पड़ी हो तो आप उससे भी काट के बना सकते हैं। तो ये बहुत ही वैरायटी में बन जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप माइक्रम खरीदिए। मेरे पास माइक्रम था तो मैंने उससे बता दिया, पर अगर आप खासकर माइक्रम इसके लिए ख़रीद के बना लें तो आपके पास मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने ये प्लेन हैंगर है, इसको मैं नाप के आपको बताती हूँ कि ये कितने इंच का है और इसके मुझे कितना मुझे माइक्रम मैंने लगाया है, क्योंकि ये लेमन येलो वाला पूरा मेरा इसमें एक भी जोड़ नहीं है। देखिए मैं इसको नाप ले रही हूँ आपके सामने। तो ये 29 इंच है और इसके ऊपर मुझे 8.5 मीटर माइक्रम लगा है। ये 3-ply का है, प्लाई पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ऊन से बना रहे तो शायद ज़्यादा भी लग सकता है, और अगर आप मोटी प्लाई यूज़ करेंगे तो उसमें कम लगेगा। और जैसा कि इसको ट्विस्ट किया है, ये ट्विस्ट हुआ है, अगर आप इसको दूर दूर करेंगे तो काफ़ी थोड़ा कम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कम लगेगा। बट मैंने ढेर सारा किया है जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। Thank you for watching me.